इस मूवी की शुरुआत एक बस से होती है जिसके अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो बस के चारों तरफ लगे एडवर्टाइजमेंट पोस्टर की वजह से बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वह हर एक दिन सेम पोस्टर देखता है। इसीलिए वह बस कंडक्टर को बोलता है कि वह सब पोस्टर को हटा दे। उसी बस के अंदर मन्नू नाम की लड़की होती है जिसने तकिया लगा रखा होता है जिसकी वजह से बस के अंदर सभी को वो प्रेग्नेंट लग रही होती है लेकिन एक्चुअल में वह प्रेग्नेंट नहीं होती है। इसके बाद जब मन्नू बस से उतरती है तो वह तकिया निकाल देती है। इसके बाद हम देवी नाम के लड़के को देखते हैं जिसके पास मन्नू जाती है क्योंकि देवी ने मनु के लिए ठंडी बियर मंगा रखी होती है जिसे देखकर मनु खुश हो जाती है और बियर लेकर चली जाती है। हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि देवी मनु से प्यार करती है लेकिन उसने मनु को अभी तक बोला नहीं है। इधर जैसे ही मनु घर जाती है तो वो देखती है कि उसे लड़के वाले देखने आए हुए हैं। इसीलिए वह डायरेक्ट लड़के से बात करने लग जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या उसका सोशल मीडिया पर अकाउंट है तो वो लड़का कहता है कि उसका सिर्फ SBI के अंदर अकाउंट है। इसके बाद मनु उससे कहती है कि वे कितने बच्चों की प्लानिंग कर रहा है। लड़का कहता है कि ये सब शादी के बाद देख लेंगे। मनु यह भी पूछती है कि क्या तुम रात को जल्दी सो जाते हो। तब लड़का कहता है कि मैं तारक मेहता देख के 9 बजे सो जाता हूँ। मनु उस लड़के से कई सारे सवाल पूछती है और वह उस लड़के को अपना गलत नंबर देती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि मनु को पहले भी कई लड़के वाले देखने आ चुके हैं लेकिन मनु ने सभी को गलत नंबर देकर भगा दिया। और तो और कई बार तो उसने अपने पापा के नंबर दिए थे जिस वजह से लड़कों ने उसके पापा को मनु समझकर बहुत परेशान किया। मनु के मम्मी पापा मनु की जल्दी से शादी करवाना चाहते हैं लेकिन मनु मना कर देती है कि वे इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी। वह पहले अपना करियर बनाना चाहती है, वह पहले सेट होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तभी शादी करेगी। लेकिन उसके मम्मी पापा तो जिद पर अड़े रहते हैं और वह अब कैसे भी मनु की शादी करवाना ही चाहते हैं। इसीलिए वो मनु को 1 महीने का टाइम देते हैं। इसके बाद मनु अखबार उठाती है और उसके अंदर जो भी जॉब के विज्ञापन छपे होते हैं उन सभी से वे कांटेक्ट करती है और वह उन सभी जगह पर जाने लगती है लेकिन कहीं पर भी मनु को जॉब नहीं मिलती क्योंकि कहीं पर तो उसे पैसे कम देते हैं और कहीं पर एक्सपीरियंस मांगते हैं लेकिन कोई भी जॉब मनु के लिए फिट नहीं बैठती है। इस वजह से वह बहुत गुस्सा हो जाती है और इस दुख की घड़ी में देवी उसके लिए एक बियर लेकर आता है और फिर मनु बियर पीने लगती है और देवी को बताती है कि इस देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, साला एक जॉब के लिए 500 एप्लीकेशन आगे रहते हैं। मनु जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वह छोटे से ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है। उसी ब्रिज के पास से एक बस वाला आदमी गुजर रहा होता है जो मनु को देख लेता है और उसे लगता है कि वह सुसाइड कर रही है। इसीलिए वह मनु को आकर पकड़ लेता है। इस वजह से मनु की बियर पानी में गिर जाती है। अब देखो मनु तो पहले से ही परेशान होती और अब उसकी बियर भी गिर गई है। इसीलिए फिर देवी और मनु मिलकर उस आदमी से बियर के पैसे लेते हैं। अगले सीन में मनु को कॉल आता है कि उसे नौकरी मिल गई है और फिर वे वहां पर पहुंच जाती है और उसे वहां पर वह बस वाला आदमी भी मिलता है जो कि मनु को वहां पर तुरंत पहचान लेता है और वह आदमी मनु को बताता है कि उसे 40,000 महीने मिलेंगे और यह सुनकर मनु बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जहां पर मनु की नौकरी लगी होती है वह एक कंडोम फैक्ट्री होती है जिसका नाम लिटिल अम्ब्रेला होता है। फैक्ट्री का मालिक यानी कि वो बस वाला मनु को उसके काम के बारे में कुछ बताए उससे पहले ही मनु वहां से चली जाती है क्योंकि वह पैसों को लेकर बहुत खुश हो जाती है। अब यार मनु को अपनी जॉब प्रोफाइल पता ही नहीं, वह तो ये सोच रही होती है कि वह एक छाता बनाने वाली फैक्ट्री है। वहीं इधर मनु के घर पर देवी मनु के पापा और मम्मी से उसकी और मनु की शादी की बात कर रहा होता है। तभी वहां पर मनु आ जाती है जो सभी को मिठाई खिलाने लगती है और कहती है कि उसकी नौकरी लग गई है। लेकिन जब वह पहले दिन अपनी जॉब पर जाती है तब उसे पता चलता है कि वह कंडोम बनाने वाली फैक्ट्री है और यह पता चलने के बाद मनु वहां से जाने लगती है। रास्ते में उसे अपनी शादी का ख्वाब आने लगता है, इस वजह से वह वापस फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। अब उसे बहुत ही मुश्किल से नौकरी मिली है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती है। अब उसे एक कंडोम की फैक्ट्री के अंदर काम करना है लेकिन उसके पास अब जॉब तो है और उस फैक्ट्री के मालिक को भी मनु जैसी समझदार लड़की की ही जरूरत होती है जो कि उसके काम को आगे बढ़ा सके क्योंकि उनकी फैक्ट्री बहुत लॉस में चल रही होती है। इसके बाद मनु अपनी कंपनी की मार्केटिंग करना शुरू कर देती है और हर एक मेडिकल शॉप पर जाकर वह कंपनी के नए सैंपल दिखाने लगती है। लेकिन कोई भी मेडिकल शॉप वाला मनु की कंपनी का कंडोम नहीं खरीदता क्योंकि किसी ने भी लिटिल अम्ब्रेला कंपनी का नाम तक नहीं सुना और तो और इनके एड भी अभी तक किसी ने भी नहीं देखे, इस वजह से कोई भी नहीं खरीदता। लेकिन मनु अपने पहले 2 कंडोम का पैकेट एक बुढ़े आदमी को सेल कर ही देती है। इसके बाद वे अपने सर को कहती है कि अगर वे 50% कंडोम की सेल रखे तो उनके जो भी पुराने सैंपल है वो सारे बिक जाएंगे क्योंकि इंडिया के अंदर किसी भी चीज की सेल लगी हो और किसी की जरूरत हो या ना हो लेकिन सेल को देखते हुए सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। इधर हम देवी को देखते हैं जिसके चाचा चल बसते हैं। तभी उसे मनु का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि उसे मर्द चाहिए। तब देवी कहता है कि कैसी वाहियात बात कर रही हो। मनु कहती है कि मुझे ऐसी जगह बताओ जहां पर काफी सारे मर्द होंगे। देवी को एक आइडिया आता है और वह यह नहीं सोचता है कि उसके चाचा मर गए हैं, उन्हें शमशान ले जाना चाहिए, लेकिन वह तो सिर्फ यहां पर मनु को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। देवी अपने चाचा के साथ बाकी लोगों को भी मनु की बताई जगह पर लेकर आ जाता है। मनु कहती है कि मुझे ऐसे मर्द नहीं चाहिए, वह यह कहकर वहां
वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब मन्नू बस से जा रही होती है तब वो बस में रंजन से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि रंजन अपनी समझदारी से एक महिला सीट पर बैठे आदमी को उठा देता है और उसकी जगह मन्नू को बिठा देता है। इधर हम देवी को देखते हैं जो मन्नू को लेकर एक कुश्ती कॉम्पिटिशन में आता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे मर्द होते हैं। इसी दौरान जब कुश्ती प्रतियोगिता के विनर अनाउंस किए जा रहे होते हैं तब वहाँ पर मन्नू भी आ जाती है और वे माइक लेकर ये अनाउंस करती है कि लिटिल अम्ब्रेला नाम की कंपनी की 50% कंडोम की सेल चल रही है। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर देवी को भी पता चल जाता है कि मन्नू कंडोम कंपनी में काम करती है। लेकिन देवी तो मन्नू से प्यार करता है, इसीलिए वह फिर मन्नू के साथ कंडोम बेचना शुरू कर देता है। ये दोनों जोरों शोरों से कंडोम का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच फिर एक दिन मन्नू कंडोम का प्रचार करने के लिए रेड लाइट एरिया में जाती है, जहाँ पर वह रंजन को देखती है जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जगराते की डील करने जाता है। लेकिन मन्नू उसे देख लेती है और वह गलत सोच लेती है कि रंजन उस रेड लाइट एरिया में लड़कियों की रात रंगीन करता है। इसके बाद जब शाम को जगराना शुरू होता है तब उस जगराने के अंदर रंजन कृष्ण बनकर आता है। तब वहाँ पर मन्नू उसे देख लेती है कि यह तो रंजन है, इसीलिए वह अपनी बहनों को बताती है कि ये वह लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था। फिर जो मन्नू अपनी बहनों को बताती है वो सारी बातें जगराते में बैठे सभी को एक एक करके पता चल जाती है। इस वजह से सभी लोग रंजन को गलत गलत कहने लगते हैं, लेकिन रंजन कहता है कि ऐसा किसने कहा, मैं रेड लाइट एरिया में ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तब देवी का दोस्त कहता है कि मैंने ये सब कुछ मनु के मुंह से सुना है। तब रंजन सभी को क्लियर करता है कि वह रेड लाइट एरिया के अंदर जगराते की डील करने गया था। और यहाँ पर फिर मनु को भी हकीकत पता चलती है, दरअसल मनु को गलत फहमी हो गई थी। इसके बाद हम रंजन के बापूजी को देखते हैं जो अपने घर की लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर के सदस्य बिजली को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच रंजन अपने घर आ जाता है। रंजन के बापूजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि रंजन रामलीला करे, जगराता करे, कभी रावण बने, कभी राम बने तो कभी कृष्ण बने, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। वे चाहते हैं कि रंजन कुछ काम करे। इसी बीच में एक आदमी आता है जो रंजन से रामलीला की डील करने के लिए आता है और फिर पैसे देकर सभी लोग मान जाते हैं। और इसके बाद रंजन के बापूजी भी मान जाते हैं क्योंकि पैसों के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रंजन से मनु सॉरी बोलने आती है, लेकिन रंजन बहुत गुस्से में होता है क्योंकि मनु की वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई। पर फिर मन्नू उसे समझाती है कि वह वहाँ पर कंडोम का प्रचार करने के लिए गई थी और उससे गलत फहमी हो गई। इसके बाद मन्नू रंजन को होली खेलने बुलाती है क्योंकि अब वो रंजन को पसंद करने लगी है। इसके बाद रंजन फिर मन्नू के एरिया में होली खेलने जाता है और उसके साथ जमकर होली खेलता है। वहीं देवी उन दोनों को नोटिस कर लेता है और इससे वह काफी हर्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मन्नू की माँ को घर पर कुछ कंडोम के पैकेट मिल जाते हैं और उनको अपनी दो छोटी बेटियों पर शक होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मन्नू आ जाती है जो अपनी मम्मी को सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद मन्नू की माँ बहुत रोती है और गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर मन्नू अपनी माँ को बहुत समझाती है कि वे जो कर रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। शाम को जब दुख के अंदर देवी अपने दोस्त के साथ बियर पी रहा होता है तभी उसी जगह पर नीचे मन्नू भी रंजन के साथ बियर पी रही होती है और ये देखकर देवी और ज्यादा अपसेट हो जाता है। मन्नू रंजन को उसके साथ सेक्स करने के लिए कहती है, लेकिन रंजन मना कर देता है कि वे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है और ये सब कुछ शादी से पहले वे कभी नहीं करेगा। दरअसल यहाँ पर मन्नू रंजन का टेस्ट लेती है कि वे कैसा लड़का है और भाई यहाँ पर तो रंजन एक सख्त लोंडा निकलता है। इस वजह से मन्नू रंजन से और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसी दौरान रंजन एक पंडित जी से बोलकर उसकी फैमिली को मन्नू की फैमिली से मिलवा देता है और फिर रंजन की लव स्टोरी अरेंज मैरिज में बदल जाती है और बहुत ही जल्द शादी हो जाती है और देवी का प्यार वन साइड ही रह जाता है। लेकिन रंजन अपनी फैमिली को यह नहीं बताता कि उसकी बीवी यानी कि मन्नू क्या काम करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने अपनी फैमिली को यह बता दिया कि वह कंडोम फैक्ट्री के अंदर काम करती है तो उसके बापूजी उसे घर से निकाल देंगे या फिर कुछ बड़ा बवाल हो जाएगा। इस वजह से वह कुछ दिनों तक इसे सीक्रेट ही रखते हैं, लेकिन बाद में वह अपने भाइयों को बता देता है। इसके बाद उसके भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हमारा बाप हम तीनों को जिंदा जला देगा। लेकिन रंजन को ये बात आज या कल तो बतानी ही थी, इसीलिए सबसे पहले वो अपने भाइयों को बताता। एक दिन जब रंजन के बापूजी और उसके भाई दादाजी की आंखों का चेकअप करवाने के लिए एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और जब वहां से वापस घर के लिए निकलते हैं तब रंजन के बापूजी मन्नू को देवी के साथ देख लेते हैं, इसीलिए उनको शक हो जाता है, इसीलिए वो मन्नू को फॉलो करने लगते हैं। फॉलो करते करते फिर वह मन्नू की उसी फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं जहां पर मन्नू काम करती है और जो बात रंजन ने अपने बापूजी से छुपाई थी वो फिर यहां पर उन्हें पता चल जाती है। इसके बाद रंजन के बापूजी उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चप्पल लेकर उसे मारने लगते हैं। रंजन के बापूजी कहते हैं कि मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हमारी बहू एक कंडोम कंपनी में काम करती है और चुनाव भी आने वाले हैं, हमें वोट भी नहीं मिलेगा। इस वजह से वह मन्नू को घर से निकालने की बात कहते हैं। तभी मन्नू आ जाती है जो सभी को कहती है कि वे खुद ही इस जॉब को छोड़ देगी और इसके बाद वे दूसरी जॉब करने लग जाती है जिसके अंदर वह प्लास्टिक के टिफिन सेल करती है
और अब मन्नू के साथ पूजा नाम की लड़की भी काम करती है, लेकिन पूजा कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही होती है। इसीलिए फिर मन्नू को पता चलता है कि उसका आज पंचायत का फैसला है। और जब मन्नू वहां पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पूजा प्रेग्नेंट है और पंचायत के लोग पूजा का अबॉर्शन करवाने की बात करते हैं। लेकिन तभी मन्नू सभी को समझाती है कि अगर आपने इन दोनों को कंडोम यूज करने की सलाह दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन कोई भी मन्नू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सबको मन्नू की ये बात गंदी लगने लगती है। पंचायत के लोग फैसला करने लगते हैं, इसीलिए पूजा मन्नू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वे चली जाए। इसीलिए फिर मन्नू वहां से चली जाती है और वे इस बारे में बहुत सोचती है। कुछ दिनों के बाद मन्नू पूजा की माँ को देखती है जो कहीं पर जा रही होती है। वहां पर मन्नू को यह पता चलता है कि पूजा ने जबरदस्ती अबॉर्शन कराने की कोशिश की, इस वजह से उसकी जान चली गई। और इस पर फिर मन्नू को बहुत पछतावा होता है और वो रंजन को बताती है कि अब वह फिर से कॉन्डम कंपनी में जॉब करने के लिए दोबारा से ज्वाइन कर रही है। लेकिन इसके लिए रंजन उसे मना करता है, लेकिन मन्नू ने तो ठान लिया कि वह फिर से वही जॉब करेगी। इसके बाद मन्नू कंडोम फैक्ट्री में पहुंच जाती है और वह काम शुरू करने से पहले सभी वर्कर्स को यह बताती है कि हमारे देश के अंदर हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा अबॉर्शन होते हैं। आप सबको शायद ये पता नहीं होगा कि एक लड़की अबॉर्शन के समय कितना कुछ सहती है, बुखार, दस्त, भारी ब्लीडिंग और भी बहुत कुछ। और अबॉर्शन में एक लड़की फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी टूट जाती है। देश में इलीगली अबॉर्शन की वजह से कई लड़कियों की जान चली जाती है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि लोग एक अबॉर्शन कराने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं लेकिन 10 रुपए का कंडोम नहीं खरीदते हैं। माना कि अनपढ़ लोगों में ये जानकारी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ये लापरवाही कैसे कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी का ओनर मन्नू से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तब मन्नू कहती है कि अवेयरनेस यानी कि लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी और मेन औरतों के अंदर, क्योंकि कंडोम यूज नहीं करने से मर्दों को तो कुछ नहीं होगा लेकिन औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसके बाद मन्नू औरतों को कंडोम यूज करने के लिए जागरूक करने लगती है, लेकिन कोई भी औरत मन्नू की बात नहीं सुनती। रंजन के बापूजी मन्नू के मम्मी पापा को उनके घर बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे अपनी बेटी को वापस ले जाएं, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि मन्नू फिर से वही जॉब कर रही है। रंजन भी मन्नू को बहुत समझाता है कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के अंदर उसके बापूजी को कोई भी वोट नहीं देगा, इसीलिए तुम ये जॉब छोड़ दो। लेकिन जब मंजू रंजन को यह बताती है कि कंडोम का यूज ना करने की वजह से तुम्हारी भाभी का भी दोबारा अबॉर्शन हो चुका है और साथ ही जो लड़की पूजा मेरे साथ काम करती थी वो भी अबॉर्शन की वजह से मर गई, तो ये सुनने के बाद फिर रंजन मनु से कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रंजन के बापूजी और परिवार वाले इन दोनों का डिवोर्स करवाने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन कोर्ट को कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताने की वजह से कोर्ट इनका डिवोर्स नहीं करती है और इन्हें 6 महीने का टाइम देती है। इधर मनु उनकी कंपनी के कॉन्डम का एड भी देती है और ये एड मनु के ससुराल वाले भी देख लेते हैं। इसी बीच एक दिन एक रिपोर्टर मनु का इंटरव्यू लेने आता है और इंटरव्यू लेने के बाद मनु की जो कॉन्डम यूज करने की मुहिम होती है वे और भी ज्यादा फैल जाती है और मध्य प्रदेश स्टेट में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में मन्नू की इस पहल को लोग देखने लगते हैं। मन्नू हर न्यूज चैनल पर छा जाती है और लोग मन्नू को देखने लगते हैं और मन्नू जो कॉन्डम यूज करने के लिए लोगों को जागरूक करती है उसके लिए लोग उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी बातों पर अटेंशन भी देने लगते हैं। इसी दौरान प्रधान चुनाव का रिजल्ट भी आ जाता है और रंजन के बापूजी को पता चलता है कि वे इस बार के इलेक्शन भारी वोटों से जीत गए, लेकिन वे इलेक्शन उनकी बहू मन्नू की वजह से जीते होते हैं क्योंकि मन्नू ने जो कॉन्डम पहल शुरू की थी उस वजह से लोग उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से वे इलेक्शन के अंदर रंजन के बापूजी को ही वोट करते हैं और साथ ही मन्नू भी इलेक्शन में उनको बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन इस बात से रंजन के बापूजी बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं कि वे उनकी बहू मन्नू की वजह से इलेक्शन जीते हैं, इसीलिए वो गुस्से में आकर रंजन को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन रंजन साइन नहीं करता है और पहली बार रंजन अपने बापूजी के सामने अपनी वाइफ के लिए बोलता है और कहता है कि आपके घमंड, आपकी सोच, आपकी प्रधानी इस घर की खुशियां भूल चुकी है। आप ये मानने को तैयार ही नहीं कि मेरी वाइफ की वजह से आज आपकी जीत हुई है, आप ये एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो। मन्नू समझदार है, पढ़ी लिखी है, वे अपने फैसले खुद कर सकती है, उसे क्या करना है ये भी वे खुद डिसाइड कर सकती है, आप और मैं कौन होते हैं उसे बताने वाले, ऐसा कहते हुए वे पेपर पर साइन नहीं करता। इस वजह से उसके बापूजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं जिसके बाद वो मन्नू और रंजन दोनों को घर से निकाल देते हैं। इसी बीच रंजन की बहन को पेन होने लगता है, इस वजह से उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रंजन के बापूजी और उसके परिवार को डॉक्टर से पता चलता है कि डॉक्टर ने रंजन की जीजा को पहले से ही मना किया था कि एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा मत करना क्योंकि पहले ही प्रेगनेंसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ हुई थी और 2 बार मिसकरेज भी हो गया है क्योंकि रंजन की बहन को दूसरा बच्चा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी रंजन का जीजा ऐसा करता है और उसके इस लापरवाही की वजह से अब माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद रंजन के बापूजी अपने दामाद की कॉलर पकड़ लेते हैं और उस पर भड़क जाते हैं, लेकिन बाद में लकीली डॉक्टर सभी को बताता है कि बच्चा और माँ दोनों सेफ है। और यहाँ पर फिर बापूजी को अपनी बहू मन्नू की बात समझ आ जाती है और उसके दिमाग में जो कचरा था वह निकल जाता है कि कॉन्डोम कितना इम्पोर्टेंट है और आज उनकी बेटी की तो जान बच गई है लेकिन देश में हर दिन कई लड़कियों के अबॉर्शन होते हैं, इस वजह से उनकी जाने भी जाती है। अगर आज हमारे देश की जनसंख्या आधी
नहीं होती तो कोरोना के टाइम के अंदर जो हम सबकी लाइफ के अंदर भोकाल मचा था, जो प्रॉब्लम आई थी, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाती। और कोरोना की ताकत तो भीड़ से ही है, कोरोना ही नहीं बल्कि बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से भुखमरी, बेरोजगारी, दंगे, इन सबकी ताकत भीड़ से ही है। इसीलिए हमें जिम्मेदारी देनी नहीं बल्कि उठानी पड़ेगी। कंडम प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन है, और जिनको ये प्रॉब्लम लगती है ये मूवी उनकी सोच के खिलाफ है। और दोस्तों, इस तरह से जनहित में जारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।